जैसे ही आप इसको इंटर दबाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिक से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे A4 साइज में यहाँ पे 4:6 का फोटो बना करके तैयार करके दे दिया है। दोस्तों जब हम किसी कस्टमर का पासपोर्ट साइज फोटो बनाने जाते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े ही आसानी से अपने फ़ोटो को आप 1 से 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका माउस चलाने का प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा फास्ट है तो बड़े ही आसानी से आप अपने पासपोर्ट साइज के फ़ोटो को क्रिएट करके अपने कस्टमर को बहुत ही कम समय में प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ जिसका नाम है एक्शन। उस एक्शन फाइल की मदद से आप बड़े ही आसानी से सिर्फ एक क्लिक करेंगे और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनके तैयार हो जाएगा, और उसके बाद प्रिंट करके अपने कस्टमर को हैंडओवर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लेकर के आ गया हूँ 6 फोटो का एक्शन, और आज हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आप सिर्फ मात्र एक क्लिक में कैसे उसको पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि वो काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी मात्र 2 मिनट में आप फोटो प्रिंट करके दे सकते हो अपने कस्टमर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से काम करेगा आपका एक्शन, और आप अपना कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपके कमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपका मैं हेल्प करता रहूं। सबसे पहले यहाँ पर जो फोटोज आप देख पा रहे हो, इस फोटो को सिंपल से उठा करके अपने फोटोशॉप में लेकर के चले जाना है। ठीक है, फोटोशॉप में लेकर चले जाना है, और उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है कि मेरा यहाँ पे देख सकते हो एक बैकग्राउंड है, तो कस्टमर का फोटो कुछ इस प्रकार से आपके पास हो सकता है। आपको क्या करना है, यहाँ से पॉलीगोनल लेजर टूल ले लेना है और यहाँ पर आपको 0 पिक्सल कर देना है, और उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ पे साइड बाय साइड इसको लगा करके यहाँ पे कट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी फटाफट मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है फोटो का, हमने बिल्कुल ही क्लीन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं इस क्लीन बैकग्राउंड में जो भी अपना बैकग्राउंड का कलर देना चाहते हैं वो हम बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आपको टूल्स बार में जाना है और मैजिक वन टूल को सेलेक्ट कर लेना है, और कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक से यहाँ पे आपका एरिया को सेलेक्ट कर लेगा बैकग्राउंड को, और यहाँ पे जो बीच में जो ये देख रहे हो आप जो जगह है, तो इसको आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और तो बीच का भी एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आपको कोई एक कलर ले लेना है, जैसे मैं अगर ब्लू ले लेता हूँ या पिंक ले लेता हूँ और डिलीट बटन दबाता हूँ, तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे कलर आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है। कोई और कलर अगर लेना चाहते हो तो बड़े ही आसानी से आप ले सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप अपना बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दे दिया, तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। चलिए अब बारी आता है कि कैसे आप अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो को एक क्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है आपको विंडोज़ में, और विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे एक्शंस फाइल के नाम है, यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से एक्शन दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये एक एक्शन फाइल है, और इस एक्शन फाइल को सिंपली आप अपने फोटोशॉप में लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास एक एक्शन फाइल पासपोर्ट साइज 6 फोटो A4 साइज का एक आपके पास एक्शन आ जाएगा। तो सिंपल जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके पास एक यहाँ पे करो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक से खुल जाएगा। इसको यहाँ पे इस एरिया को आपको अपने पासपोर्ट साइज के अनुसार यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है, और जैसे ही आप इसको एरिया को सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक से यहाँ पर देख सकते हो ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, और आपको थोड़ा सा इसको एरिया को आपको सेलेक्ट करके रखना है, इसमें सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना। जब आपका ये एरिया इतना सिलेक्शन हो जाएगा इंटर दबा देना है आपको। जैसे ही आप इसको इंटर दबाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिक से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे A4 साइज में यहाँ पे 4:6 का फोटो बना करके तैयार करके दे दिया है। तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप अपने पासपोर्ट साइज को 1 क्लिक में बना करके तैयार कर सकते हैं, और कस्टमर को कम समय में आप पासपोर्ट साइज फोटो प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।